संदीप जी, अगर हम बड़े कारोबारियों की बात करते हैं तो उनके लिए अगर कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स है तो शायद उनके कारोबार पे या उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत ईज़ हो जाता है। एक्सपर्ट होते नहीं है तो हो जाते हैं, क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन भी बहुत बड़ा रहता है। जी लेकिन जब हम छोटे कारोबारियों की बात करते हैं तो इम्पैक्ट उन पर ज़्यादा होता है। और जैसे अगर हम इस तरह से इसको देखें, जैसे दिल्ली में किसी ने कुछ परचेज़ किया, कुछ ख़रीदा, उस वो अमाउंट बैलेंस हो जाता है कैलकाटा में उनके नोन में, या किसी तरह से बातचीत करके हो जाता है। तो वो उसकी लिमिट्स भी कुछ अलग हैं क्या? वो उसको हम किस कैटेगरी में देखेंगे? आपका मतलब कि अगर मान लीजिए कोई परचेज कर रहा है तो उसको जो पेमेंट करनी है जी उसके लिए हाँ जी, कैलकाटा में कोई नोन है, उन्होंने कुछ खरीदा तो अमाउंट जैसे बैलेंस कर लिया हमने अच्छा, आपसी जी बातचीत में। आपसी बातचीत में नहीं, जी ठीक है, वो उसमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किया जा सकता है। तो मैं आपको एक इसमें बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको एक इसमें चीज़ बताना चाहूँगा जो दर्शकों को काफ़ी यूज़फुल होगी। सरकार ने क्या किया है कि पहले क्या था कि जो टैक्स ऑडिट होता था, एक टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है बिजनेस को, उसमें क्या होता है कि आपको अपने खाते मेंटेन करने पड़ते हैं और खातों के अंदर आपको सारी आपकी जानकारी देनी पड़ती है, अपने एक्सपेंडिचर वगैरह की, अपनी इनकम की, सब मेंटेन करके चलना पड़ता है। और वो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ता है और उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड कराना पड़ता है। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि पहले इसकी लिमिट 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी सेल है तो आपको ये टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था। जी अब सरकार ने ये बोला है कि अगर आपकी जो रिसीट्स हैं, यानी कि जो आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे पैसे ले रहे हैं, और जैसे आपने कोई अपना फिक्स्ड एसेट बेचा, आपने कंप्यूटर बेचा, प्लस आपने कोई लोन की रिपेमेंट आई आपको, तो ये सारा पैसा मिला के अगर आपका 5% से कम कैश आया है और साथ में आपने जो पेमेंट्स करी हैं, पेमेंट्स जो करी हैं वो भी आपने सारी की सारी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करी हैं, और जितनी भी पेमेंट्स करी हैं उसमें से जो टोटल पेमेंट का जो 5% है, कैश का पेमेंट उस 5% के अंदर ही अंदर है, तो आपकी जो ये टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है ये 1 करोड़ से बढ़ाकर उन्होंने 10 करोड़ कर दी है। तो ये काफ़ी बेनिफिट इसीलिए दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, और साथ में इसका कारण ये भी है कि जब कैश की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें, जैसे कि अभी शरद जी ने कहा कि उसमें कुछ ट्रेल नहीं होता है, उसमें पता नहीं चलता है कि वाकई में कैश की ट्रांजैक्शन हुई है नहीं हुई है, क्योंकि आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर लोग पकड़े जाते हैं, फेक इनवॉइसिंग करते हैं, वो सब कैश की ट्रांजैक्शंस की वजह से ही होती हैं। तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला, इसीलिए ये रूल लेके आए कि ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हो, आपको टैक्स ऑडिट के डर से भी बच जाएंगे आप, और आपको इसमें बेनिफिट होगा, जी, काफ़ी आपका वक्त भी बचेगा। काफ़ी आपका वक्त भी बचेगा क्योंकि जी आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। राइट, अच्छा, जी उसमें क्या है कि आपका सारा सिस्टम ऑनलाइन जा रहा है, आपको ट्रांजैक्शन सारी पता है कि कौन सी कहाँ गई, जी आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि कैश में आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉई को अगर कैश दिया तो उसने कहाँ खर्च किया, उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, उसके बिल आए नहीं आए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो जिसको आप पेमेंट करेंगे तो नेचुरली वो अपना बिल तो देगा ही देगा आपको, तभी आप, क्योंकि वो अपने खातों में दिखाएगा ही बिल्कुल दिखाएगा जी इसको। जी जी तो ये इस तरीके का ये इन्होंने प्रोविजन किया है ताकि इससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिले। जी 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 अभी शरद जी जो बात कर रहे थे, संदीप जी, मेरे मन में सवाल तैयार हो रहा था कि हम कैश ट्रांजैक्शन से हट रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है, अगर हम कुछ लोग ऐसे हैं, सीनियर सिटीजन्स हो गए या कुछ और ख़ास लोग हो गए, जो इसको एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं कि हम डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में जाएं। सीनियर सिटीजन तो है, उनकी लाइफ का ज़्यादा वक्त तो कैश ट्रांजैक्शन में ही उन्होंने निकाला है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। तो ये जो साइकोलॉजी है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इन्होंने ई रूपीज़ की बात भी उसमें कर दी है। अब ई रूपीज़ में तो मुझे लगता है सीनियर सिटीजन के अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये क्या हैं, तो अब इनका कैसे हम इनका सामना कर सकते हैं, जी बताएं। जी अस्मिता, मैं आपकी बात से इतफाक़ रखता हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कैश के तरीके से ही अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं,
इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखें, जिन कुछ सीनियर सिटीजन्स के मेरे सामने काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स ने कोशिश भी करी कि वो इस डिजिटल मनी को यूज़ करें, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट इनफैक्ट उनको ऐसा भी हुआ है कुछ सिटीजन्स के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ ये भी हुआ है कि उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्रॉड के हाथों वो उनको नुकसान हुआ है। तो जैसे अभी मैं बताऊं, अभी पीछे एक केस मेरे सुनने में आया था हमारे एक जानकार में, उन्होंने उनको एक मैसेज आया कि आपका कुछ पेमेंट ड्यू है और आपका जो है एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है और आपने वो पे नहीं करा, आपकी बिजली कट जाएगी और आपकी बिजली 2 घंटे के अंदर अंदर कट जाएगी, तो आपको ये पे करना है। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सारी अपनी पेमेंट करी हुई है, कह रहे आप चेक कर लीजिए। उन्होंने बोला कि आप चेक कर लीजिए। तो उन्होंने हालांकि इस तरीके से उनको बात करी कि उनको मौका ही नहीं दिया चेक करने का, उनको बोला कि नहीं आप पेमेंट कर दीजिए नहीं तो आपकी बिजली कट रही है। अब बिल्कुल फाइनल हम अल्टीमेटम बता रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देते हैं पेमेंट। अब उन्होंने जब वो पेमेंट करने के लिए, उन्होंने बोला कि हम आपको बता रहे हैं कैसे पेमेंट करना है, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इस तरीके से ये नंबर दबाइए, ये करिए, और अल्टीमेटली जो भी वहाँ पे बहरूपिया था दूसरे एंड पे, उसने उनका फ़ोन पूरा का पूरा हैक कर लिया। यानी कि जितने भी उनको मैसेज आ रहे थे वो सारे के सारे मैसेज उस बहरूपिया के पास जा रहे थे। जी, यानी इस तरह के चैलेंजेस बहुत हैं, हम लगातार सुनते बहुत रहते हैं, तो चैलेंजेस फिर है क्या, किस तरह से ख्याल रखें उनके लिए, आप जरूर कुछ कहें। जी, उसके लिए ख्याल तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही रहेगा कि आप किसी भी अनजान कॉल कोई करता है और आपको कहता है कि आप मेरे को अपना ओटीपी शेयर करें, आप बिल्कुल ऐसा कोई भी चीज़ ना करें। क्योंकि बैंक के अंदर आप जो भी मैसेज देखेंगे उस पर लिखा हुआ आता है कि बैंक का कोई भी मुलाजिम आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ओटीपी किसी को शेयर करें, ओटीपी आप शेयर करना ही नहीं है आपको किसी भी हालत में। फिर उसके बाद आप कोई पासवर्ड हो, आप पासवर्ड किसी के साथ अपना किसी भी तरीके का कोई पासवर्ड शेयर ना करें। इसके अलावा जैसे आप अगर कोई पेटीएम वॉलेट आप मेंटेन करके रखते हैं, कोई सीनियर पेटीएम वॉलेट यूज़ कर रहा है कोई, तो उसके अंदर वो क्या करें कि एक मिनिमम अमाउंट डाल के रखें जो कि ज़रूरत के समय काम आ जाए, जैसे 20-30 हज़ार रुपये उसमें डाल के रखें, कि इससे ज़्यादा आप डालिए मत, तो आपका रिस्क अपने आप ही कम हो गया। बल्कि मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ये ऑनलाइन सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्रेडिट कार्ड एजेंसीज, क्रेडिट कार्ड कंपनी से अक्सर फ़ोन आता है कि जी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है अभी 50 हज़ार है, अब हम आपकी, क्योंकि आप बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इसको हम 2 लाख रुपये कर रहे हैं। तो मैंने तो एक अपना असूल बना रखा है कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाते हैं तो आप उतने ही रिस्क में आप चल रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड कल को कोई हैक करता है तो आपको उतना ही नुकसान होगा, रिस्क क्योंकि एरिया बढ़ जाता रिस्क है। एरिया बढ़ जी जाएगा। जी जी तो अपनी बिल्कुल। आप ट्रांजैक्शंस को लिमिट रखें, अपने पेटीएम वॉलेट को, अपने जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं उसको कम रखें, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप कम रखें। तो अभी अभी तो यही चीज़ें हैं, आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल में और चीज़ें आएंगी जिससे कि और सख्ती बढ़ेगी और जितने भी साइबर क्राइम्स ये आजकल हो रहे हैं ये कम होंगे। हालांकि पीछे हमने देखा है कि साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशंस हैं वो काफ़ी आ गए हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा है। पीछे अभी हरियाणा में कुछ एक पूरा ग्रुप था जो कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम करता था और करोड़ों रुपए उन्होंने करे थे और पूरा 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 का पूरा गांव था, तो उसको पकड़ा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी कंट्रोल में आ जाएंगी। और ई रूपीज के हम एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा, जैसे कि शरद जी ने बताया, तो उसके क्या चैलेंजेस रहेंगे ये भी बता दीजिए अब। ई रुपीस के चैलेंजेस तो मेरे हिसाब से यही रहेंगे कि हमारे पास अगर ई रुपी होगा, हम अगर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है कि आप किसको भेज रहे हैं और जो लेने वाला है उसको भी पता है। वो इमिडिएटली अगर आप किसी को भेजेंगे ई रुपी और इमिडिएटली वो एक्सेप्ट कर लेगा और बता देगा कि हाँ ये मुझे मिल गए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है ये एक उस तरीके का सिस्टम है जो कि आजकल जैसे क्रिप्टो करेंसी का जो चल रहा है, उसको गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उसको ना लाके ये अपनी डिजिटल करेंसी लाएं, ताकि हम अपना एक सिस्टम अपना अलग बनाएं जो कि एक मॉनिटर्ड हो, जहां से कि कोई बाहर से कोई उसमें
ना कर पाए, प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तो मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी। संदीप जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुश्किल नहीं है, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क? नहीं, ज़रूर मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे, जैसा अभी हमारी बात हो रही थी कि बाकी सारी कंट्रीज़ ने ये चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है कि ये आ जाएगा, डिजिटल सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर एक इंसान को ये करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है। और सरकार का भी यही कोशिश है कि धीरे धीरे सारे बिजनेसेस भी जो हैं वो सारे के सारे डिजिटल हो जाएं और कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन ना रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।